क्रांति की शुरुआत जो है वो से नीरता चल नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने जाए हेलो वेलकम टू बायमेंट्र क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर सिंह हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटेंस एंड वेरिएशंस, मतलब जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर हम क्वेश्चंस को लगाएंगे कि प्रीवियस इयर्स में कैसे क्वेश्चन जो है मेंडलिज्म के ऊपर पूछे गए कैसे रेशियो निकालते हैं कैसे गैमिट बनाते हैं तो आज का जो सेशन है आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिससे आप जेनेटिक्स का बहुत सारा राज आप समझ पाएंगे आपके तो जो भी क्वेश्चन कराए गए आपको ट्वेंटी थ्री जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए उन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा समझिएगा ठीक है शीट ऑलरेडी अपलोड किया गया है आपके

तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम और जेनेटिक्स में अभी तक क्या देखा हमने देखा जेनेटिक्स में कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है वेरिएशन का मतलब क्या होता है हेरिटेबल करेक्टर क्या होते हैं फिर हमने जो है वो प्री मेंडल जेनेटिक्स के बारे में बात किया मेंडल ने क्या खोजा इसको देखा हमने की रिडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म क्या था मेंडल ने पाइसम से पर कितने पेयर ऑफ करेक्टर को स्टडी किया वो भी देखा हमने के और हमने एक बात गौर की हमने कि मेंडल ने कई सारे जो जो क्रॉस किए उनसे उन्होंने जो है कुछ कंक्लूजन निकाले जिसको हमने मेंडल के नियमों का रूप दिया ठीक है और क्या देखा हमने जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी को देखा कि होमोजाइगस क्या होता है हेट्रोजाइगस क्या होता है डोमिनेंट क्या होता है क्या होता है हेमीजाइगस क्या होता है ये सारी टर्मोलॉजी हमने अच्छे से समझी ठीक है उसके बाद क्या देखा हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड कॉस्ट डाईबिट कॉस्ट मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट और डायहाब्रिट टेस्ट कॉस्ट इसको हमने अच्छे से समझा तो पिछले जो पांच लेक्चर थे उनमें हमने केवल और केवल मेंडलिज्म के बारे में हमने बात किया

मैं स्क्रीन पर आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा और ये जो क्वेश्चन है आपका इसका इस प्रेजेंटेशन का, का जो पी डी एफ है वो बायोमेटास डॉट ऑनलाइन में जो है डाउनलोड सेक्शन में बेटा अवेलेबल है ठीक है तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिए तो बाकी जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन को बेटा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाने की इनकी प्रॉबिलिटी होती है ठीक है तो कुछ, देखो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल है जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमें उन्हें सॉल्व करना है तो पहला क्वेश्चन ये व्हाट टाइप ऑफ गेमिट्स विल फॉर्म बाय टाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाय ठीक है ना देखो सिंपल सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पूछा है कि वट टाइप ऑफ गैमिट्स विल बी फॉर्म बाई जिनो टाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब यदि आपने रट रखा है आपने जो है याद कर मेमोराइज कर रखा है आपने तो आप गलती कर बैठेंगे क्योंकि आपको पता होता है कि जनरली हमारे दिमाग में होता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से चार तरह के गैमिट बनते हैं तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई जिनोटाइप देकर दे जब भी कोई जिनोटाइप देकर आपसे वो पूछे कि कितने प्रकार के गैमिट हैं, तो बनेंगे कितने प्रकार के गैमिट बनेंगे तो आप उस जिनोटाइप को गौर से देखिए और उसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजिशन को आप आइडेंटिफाई कीजिए जैसे मैंने आपसे कहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई बताइए कितनी हेट्रोलेगस पोजीशन है मैंने कहा ये मैंने यह हेट्रोरेट्रोग पोजीशन है और ये तो होमोजाइगस हो है ये नहीं है ठीक है और मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको आपको टाइप ऑफ के लिए मैंने आपको एक बताया था टू टू दी पावर एन एन का मतलब ये है नंबर ऑफ हेट्रोरेगस पोजिशन तो आपने एन का वैल्यू रखा वन मतलब दो प्रकार के गैमिट बनेंगे मतलब टू टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे ठीक है क्लियर एक तो ये बात मालूम चलिए हमको अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो हमको चार चार गेमिट दिखाई पड़ रहे हैं अरे बेटा चार गेमिट दिखाई पड़ रहे हैं पर टाइप ऑफ गेमिट की बात चल रही है कितने प्रकार के गेमिट बनेंगे देखो यहां पर एक टाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया एक कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया एक स्मॉल ये ये नहीं बनेगा तो दो हेट्रोगस पोजिशन होंगी तो ऑप्शन ए सही होता पर ऑप्शन ए सही नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि हमारे पास में केवल एक हेट्रोगस पोजिशन है दिस इज रॉन्ग ठीक है हम गैम बनाकर अभी हमने कहा कि हम देख देख दे, के चेक कर रहे हैं ये गलत अब

स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाय ठीक है एक टाइप हो गया कैपिटल कैपिटल वायपिटल दो टाइप हो गया स्मॉल आर स्मॉल अब ये दो दो टाइप बोल रहा हूं ये मैं गलत बोल रहा हूं क्यों गलत बोल रहा हूं मैं इसलिए गलत बोल रहा हूं कि मैंने आपको बताया था बेटा कि कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो है सिंपल सी बात है कि एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ कभी नहीं आते तो, तो नंबर एक यदि दो वाय एक साथ में है तो बात तो ये गड़बड़ हो गई है ये तो ये एक बात ये गड़बड़ हुई दूसरी बात यह आप टाइप ऑफ गर्मिट देखें तो आपने कहा वन एंड टू अब आप बोलोगे वन टू और एक ऑप्शन में ये 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 ऐसा ही नहीं। दो वाइ एक साथ कभी गेमिट के अंदर हो ही नहीं सकते हैं तो करेक्टर अपने स्मॉल आर कैपिटल वाय स्मॉल आर कैपिटल वन टाइप ऑफ गेमिट हो गया तो कुल हो दो, कुल, दो, प्रकार के गेमिट हो गए कुल टू टाइप ऑफ गेमिट हो गए जो हमने निकाला था हमको आंसर मिल गया अब गैमिट बनाकर भी देख लो इसके बेटा मैं आपको सब तरीके से बता रहा हूं उस खुद गैमिट बनाकर देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई के जाहिर सी बात है मैंने आपसे कहा था जब भी म्यूजिस होगी गैमिट बनाने का नंबर नियम नंबर वन गैमिट बनाने का नियम नंबर वन ये है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो, जो है उसमें कितने जीन है? One, two, three, जीन गैमिट में दो जीन होंगे और दोनों जीन ऐसे होंगे कि जो मैंने आपसे कहा दो दो गैमिट में दो जीन होंगे ठीक है और एक जोड़े के दोनों जीन नहीं होते दो आर एक साथ नहीं हो सकते हैं दो वाई एक साथ नहीं हो सकते हैं ठीक है ठीके? एक क्योंकि होमोलोग

कितने प्रकार के गैमिट ये बनाएगा के How many type of के ये कितने प्रकार के बनाएगा आपको बताना है ठीक है और हो सके तो वो गैमिट का जीनोटाइप भी बताएगा गेमिट में किस तरह के जीन प्रेजेंट रहेंगे क्लियर बेटा ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं प्योर होमोजाइगस ऑफ प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन डायहाइबिट क्रॉस तो आपको याद रखना है कि प्योर डॉमिनेट और प्योर की बात करेंगे मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम मेंडल के डायबिट कॉस को कंसिडर करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि एक हम क्या प्योर प्योर होमोजाइगस क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वायउ येलो सीड प्योर होमोजा ठीक स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाय स्मॉल वाई ये प्योर होमोजा है वो रिंकल्ड ग्रीन सीड है याद है आपको ठीक है और मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड मोनोहैबिटिट क्रॉस दिमाग के अंदर सेट रहना चाहिए तो मैंने क्या कहा आपसे जब से आपने पूछा कि डायबिट क्रॉस में प्योर होमोजा कितने बनेंगे तो आपके दिमाग में झट झटसना चाहिए प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसिप्ट लेकिन यदि केवल होमोजा यदि वो ये प्योर वर्ड ना लगाता ये प्योर वर्ड ना लगाता ये प्योर वर्ड नहीं लगाता ठीक है तो क्या होता है तो आप कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई को भी शामिल करते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई को भी आप शामिल करते के लेकिन जब प्योर वर्ड का यूज किया तो हम केवल इन दोनों को, को शामिल करेंगे हम के यानी प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रेसिप के तो मैंने क्या कहा आपसे ये प्योर होमोजाइगस में आ गए और बाकी रेस्ट जो दो, दो है वो होमोजाइगस के अंदर आ गए अब क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान देखिए प्योर होमोजाइगस कितने बनेंगे मैंने आपको डायहाबिट का जब चेकर सॉल्व कराया था मैंने आपसे कहा था चेकर की कुछ हिंट है वो दिमाग में रखिएगा के मैंने कहा था अपर कॉर्नामेंट के मैंने कहा था चेकर में सोलह खाने बनते याद कीजिए ठीक है चेकर में सोलह खाने बनते हैं ठीक है ठीके? है ना तो मैं आपको तो मैंने आपसे कहा था ये वाली लकीर ये वाली लकीर मैंने कहा था आप याद रखिएगा हमें सबके, क्यों याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था यहां पे होता है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर मैंने आपसे कहा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई के स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई सोच के याद है तो मैंने आपसे कहा था चेकर बोर्ड में इस तरह की आपको लकीर देखने मिलती है मैंने कहा था प्यो पूरे होमो जाएगा आपको एक सीरीज से देखने मिलेंगे फिर मैंने चेकर बोर्ड में आपसे कहा था कि डबल हेटर ढूंढोगे आप तो कहां मिलेंगे आपको कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई याद है आपको मैंने कहा था एक लकीर ये याद रखना आप ठीक ये चेकर बोर्ड के इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल के दिमाग में रखना आपके जेनेटिक्स के शॉर्टकट है ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे कि प्योर होमोजाइगस पूछा उसने प्योर होमोजाइगस क्या हो गया बेटा ये हो गया प्योर होमोजाइगस ये हो गया प्योर होमोजाइगस के सोलह में से दो मिले टू ऑब्लिक सिक्सटीन मतलब कितना आ गया ये वन बाई आ गया आंसर वन बाई होगा इसका ठीक है क्लियर तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा यदि प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग लिखा है उसने यदि प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग लिखा है मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसिप कंसिडर करना है टू सोलह में से दो होगा टू ऑब्लिक सिक्सटीन वन ऑब्लिक लेकिन इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं यहां पर हमने वर्ड यूज किया हमने प्योर वर्ड को हटा दिया समझिए मैं आपको क्वेश्चन के वैरायटी प्रैक्टिस कर रहा हूं क्या क्या पूछ सकता है अब होमोजाइगस की बात किया उसने अब क्या बोलोगे आप बोलोगे वन टू थ्री फोर क्या आपने कहा सोलह में से चार कितना हो गया बेटा ये वन बाई फोर हो गया ये हो गया ना वन बाई फोर ठीक है एंड सोलह में से चार क्या है होमोजाइगस से वन बाई फोर आएगा आंसर यदि ये प्योर वर्ड हटा देगा तो वन बाई फोर आंसर आएगा क्लियर ठीक है यदि वो पूछता आपसे क्वेश्चन को चेंज किया उसने अभी पूछा उसने आपसे प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट प्योर होमेगा अब क्या हो पूछ रहा आपसे वो केवल इसके बारे में पूछ रहा केवल इसके बारे में पूछ रहा आपसे प्योर होमो डोमिनेंट तो कितना आ आ गया गया इसलिए प्लीज 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 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्लियर बेटा है ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्योर होमोजेगा ऑफ स्प्रिंग मतलब जो है वो एक कैपिटल आर कैपिटल आर इस कैपिटल वाई कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई सोलह में से दो मतलब वन बाई एट आ गया ठीक है क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री है इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी गिव्स स्म टू द प्रोजेनी इन रेशियो के तो याद रखिए ये कौन सा क्रॉस है कौन सा क्रॉस है इट इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ये मतलब कितना हो गया बेटा वन रेशियो वन आएगा सॉल्व कर और मैंने आपसे कहा था रेशियो दिमाग में रहना चाहिए ये केवल आपका जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इस बात से सॉल्व होते हैं कि टाइप ऑफ गेमिट आप, आप पहचान लीजिए टाइप ऑफ गैमिट आप पहचान लीजिए कौन सा क्रॉस है उसको पहचान लेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपने झट से कहा ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है रेशियो बनाता खत्म हो गया गया आंसर आ ठीक है क्लियर समझ मैंने आपसे कहा सारी चीजों में एक बात दिमाग फोकस कीजिए टाइप ऑफ गैमिट नंबर दो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे उसने उसको ध्यान से पढ़ना है नंबर तीन क्रॉस को पहचानना है कि क्रॉस कौन सा है वो ठीक है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑपटेंट इन एफ टू जनरेशन फ्रॉम सेल्फिंग ऑफ दी प्लांट विद कैपिटल आर स्मॉल आर्ट के अब पूछ रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल को हमने क्रॉस कराया सेल्फिंग बोला उसने ठीक है क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है

Clear? एक दो तरह की गेमिट बनेंगे फिर चेकर में चार खाने बनाए हमने ठीक है ना बेटा है ना कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर चार में से दो कैसे मिले हमें ये ये मतलब टू बाई फोर कितने मिले हमें? वन बाई टू हमको हेक्ट्रेगस मिले आंसर आ गया इसका फिफ्टी परसेंट

क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट और दिमाग में रखना रेड को आपने क्रॉस कराया है ठीक है थीके? तो एफ टू जनरेशन में क्या आपको तो सिंपल सी बात है यह हो गया है पेरेंटल जनरेशन ठीक है गेमिट बना कैपिटल आर गेमिट बना स्मॉल आर ये हो गया है एफ वन जनरेशन सारे के सारे आपको रेड मिलेंगे और फिर आपने क्या किया अब आप बोलोगे सर रेड क्यों मिलेंगे यहां कहा लिखा है रेड इसमें एक्चुअली बेटा गार्डन पी में जो पिगमेंटेड फ्लावर इज डोमिनेंट फ्लावर ठीक है ना चाहे वो वायलेट लिखा हो चाहे वो रेड लिखा हो तो कई बार क्वेश्चन में वायलेट लिखा हुआ आएगा कई बार पर्पल लिखा आएगा और कई बार रेड लिखा आएगा जैसे एग्जाम एक्जाम्पल क्वेश्चन है रेड दिया उन्होंने मतलब मान के चला और याद रखिए पिगमेंट का प्रोडक्शन एक डोमिनेंट करेक्टर होता है ठीक है तो गलती मत करना के व्हाइट

एग्जामिनर चाहता ना तो सीधा क्वेश्चन करता आपसे कि क्रॉस में फ्यूनोटिपिक रेशियो बताओ सीधा क्वेश्चन कि क्रॉस में याद था आपको लेकिन डायरेक्टली आप क्वेश्चन नहीं करेगा इनडायरेक्टली पूछा उसने आपसे कंडीशन देखिए आपसे पूछ क्लियर क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ पोलिनेशन बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट दूनिटिव रेशियो अब देखो फिर से वही बात

है ना? तो देखो बेटा समझो बात को जरा उसने पूछना क्या था एग्जामिनर को पूछना था आपसे कि भैया बता दे मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशो क्या होता है आपको याद था वन रेशो टू रिशोन लेकिन वो वैसे नहीं पूछा उसने उसने क्या बोला उसने कहा हमने आप सोल्व कर लीजिए वो भी आंसर आएगा तो मैं कहता हूं आपसे जैसे ही आप क्रॉस को पहचान लोगे ना तो आपका क्वेश्चन दस सेकंड में सोल्व हो जाएगा चाहो तो आप सोल्व भी कर लो टाइम लगेगा लेकिन आप आंसर निकाल लेंगे उसका ठीक है आप देखिए ध्यान से ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा बाद में इसको एफ एमसी के अंदर भी रिपीट किया गया इफ डॉर्फ पी प्लांट वॉज जिब्रेलिक एसिड नंबर एक यदि कोई पी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज है वो उसके अंदर जीन प्रेजेंट है और जीन एक पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर करेक्टर का जीन प्रेजेंट है बाहर से आप चाहे कोई हार्मोन दे दो बाहर से चाहे आप कुछ खिला दो जीन पर फर्क नहीं पड़ता जीन चेंज नहीं होते नंबर एक मतलब जीन चेंज नहीं होते हैं तो आप जिब्रेलिक ट्रीट किया आपने पौधे को लंबा कर दिया आपने बाहर से हार्मोन देके पौधे को लंबा कर दिया तो क्या उसका स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी बन जाएगा नहीं बनेगा जीन डज नॉट अफेक्ट बाय द एक्सटर्नल बाई है जिनका एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ सकता है कि वो स्मॉल टी स्मॉल टी कि में प्लांट लंबा हो गया क्योंकि उसको अपने बाहर से हार्मोन दिए ठीक है एक्सप्रेशन में चेंज पर जीनोटाइप पर फर्क नहीं पड़ता है फिनोटाइप कैन बी मॉडिफाइड इप को आप मॉडिफाई कर सकते हैं पर जीन्स की का, का लेवल पे आप परिवर्तन नहीं कर सकते मैंने कहा आपसे देखो स्मॉल टी स्मॉल टी क्या था genotype था पौधा बोना है वो फिनोटाइप था आपने एक हार्मोन दिया पौधा लंबा हो गया तो पौधे का फिनोटाइप बाहरी रूप बोने से लंबा हो गया लेकिन जीन तो उसके स्मॉल टी स्मॉल टी रहे तो याद रखना बेटा जीनोटाइप इज नॉट अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशन बट फीनोटाइप कैन बी इन्फ्लुएंस फिनोटाइप का आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ठीक है और इस ट्रीटेड प्लांट को मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी ट्रीटेड प्लांट है इसको आपने प्योर टॉल प्लांट से क्रॉस कराया तो क्या होगा आपको आपको सभी प्लांट टॉल मिलेंगे क्योंकि ये तो स्मॉल टी स्मॉल टी रहेगा ये तो है ना ठीक है तो ये प्योर आपने जो है वो प्योर टॉल प्लांट से ट्रीटेड प्लांट को क्रॉस कराया तो आपको टॉल प्लांट मिलेंगे तके? तो एग्जामिनर केवल आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था तके? तो एक्चुअली क्या हुआ बेटा आपने जैसे डॉर्क पी प्लांट को लिया आपने तो मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी था चाहे कुछ भी कर लीजिए इसका स्मॉल टी स्मॉल टी चेंज नहीं होगा उसको कैपिटल टी कैपिटल से क्रॉस कराएंगे पेरेंटल क्रॉस है और क्या मिलेगा सभी आपको हेक्ट रहेगा स्टॉल मिलेंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इस क्वेश्चन में भी एग्जामर ने कहा बहुत इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया एंड ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका जिपमर के अंदर पूछा गया है और फिर सेम क्वेश्चन को एमयू के अंदर रिपीट किया गया है हालांकि अब एग्जाम संख्या में कम होते चले जा रहे हैं तो लेकिन पहले वराइटी ऑफ एग्जाम होते थे तो वराइटी ऑफ क्वेश्चन भी हमको देखने मिलते थे अब देखो क्या पूछा हो अब सुनना क्वेश्चन के नॉर्मल मेज सामान सामान्य मक्का के का प्लांट में स्टार्ची सीड होते हैं स्टार्च वाले सीड होते हैं विच रिमेन स्मूथ जो स्मूथ होते हैं ठीक है तो मैंने कहा कि जब वो सूखते हैं तो वो स्मूथ होते हैं मतलब ऐसे स्मूथ रहते हैं वो ठीक है ए म्यूटेंट फॉर्म ऑफ है जो म्यूटेंट फॉर्म होता है उत्परिवर्तित फॉर्म होता है उसमें सुगर, शुगर वाले सीड होते हैं उसमें स्टार्च नहीं होता शुगर भरा होता है सीड के अंदर के विच गो रिंकल्ड वैन ड्राई मतलब वो जब सूखते हैं तो वो ऐसे रिंकल्ड आते हैं सीड वो ठीक है वेन ए म्यूटेंट क्रॉस विथ नॉर्मल प्लांट एफ वन वॉज प्रोड्यूस्ड हेट दूथ सीट मतलब डॉमीनेंट करेक्टर क्या हो गया जो एफ वन में दिखाई पड़ेगा वो डोम हो गया तो हमने कहा कि smooth, smooth और सुग्री ठीक है दो तरह तो इसमें हमने क्या कहा एफ वन में एफ वन में हमको क्या दिखाई पड़ा एफ वन में हमको सारे के सारे जो है वो स्मूथ दिखाई पड़े मतलब कैपिटल एस इज डोमिनट जीन ओवर दी स्मॉल एस उसकी तुलना में वो डोमेंट जीन है क्लियर ऐसा मान लिया हमने क्लियर आप क्या बोल रहा है आपसे वो वॉट वुड बी दी रिलेटिव रेशियो ऑफ द डिफरेंट सीड टाइप इफ एफ वन इज अलाउड टू सेल्फ के तो मैंने क्या कहा जो स्मूथ सीड वाला प्लांट था वो क्या था वो था कैपिटल एस कैपिटल एस स्मूथ सीड वो डोमिनेंट जीन है इसलिए कैपिटल लेटर ले लिया हमने ये स्मूथ प्लांट था स्मॉल एस स्मॉल एस क्या था ये सुग्री प्लांट था एफ वन क्या था एफ वन कैपिटल एस स्मॉल एस एफ वन स्मूथ प्लांट था और आपने इसको सेल्फिंग किया कौन सा क्रॉस है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशो मिलेगा रेशो मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फीनोटिक रेशो क्या मिलेगा थ्री रेशियो वन मिलेगा तीन डोमिनेंट जी कैरेक्टर देखने मिलेंगे हमें और एक रेसिव कैरेक्टर देखने मिलेगा मतलब तीन हो जाएंगे आपके स्मूथ और एक हो जाएगा आपका सुग्री है ना बेटा थ्री रेशियो वन सिंपल सा क्वेश्चन है एंड दिस इज ए क्वेश्चन ऑन दी क्रॉस आपको केवल क्रॉस को पहचानना था ठीक है तो तो उसने T, T, उसने तो उसने क्या क्या किया आपसे कैपिटल टी टी स्मॉल ना पूछ के के ऐसे घुमा क्वेश्चन पूछा कहा कि आप एक मक्का का प्लांट है उसमें स्टार्च सीड होते हैं जिससे सीड स्मूथ होता है और कभी कभी म्यूटेंट में क्या होता है सुगरी सीड होते हैं जिसमें रिंकल से देखने मिलते हैं और स्मूथ सीड रिंकल पर डोमिनेंट है एफ में सारे के सारे हमको स्मूथ देखने मिले मतलब ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया एक करेक्टर की बात कर रहे हैं यहां पे हम के और f1 को सेल्फिंग क्या किया तो 3:1 देखने मिलेगा हमें आंसर आ गया सीधा ठीक है आप सॉल्व भी करेंगे कैपिटल s स्मॉल s कैपिटल s स्मॉल s तो एक कैपिटल s कैपिटल s मिलेगा दो कैपिटल s स्मॉल s मिलेंगे ये तीनों मिलके क्या होंगे स्मूथ होंगे और एक स्मॉल s स्मॉल s मिलेगा जो सुग्रीव होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम ए सिंगल इफ कॉर्न के एक मक्का के एक भुट्टे की बात कर रहे हैं फॉर्मर प्लांटेड टू हंड्रेड है 200 उसके बीज को लिया मीन सीड उसके 200 सौ बीज सीड को लिया this means comb, तो उसने क्या क्या मक्का के एक भुट्टे में उसने जो है वो 200 सौ बीज को लिया बीच प्रोड्यूस जिससे क्या हुआ जिससे उसको एक सो टॉल और 40 डॉर प्लांट देखने मिले तो पूछ रहा है आपसे कि यह ऑफ स्प्रिंग उसका जनोटाइप क्या होगा आपके हिसाब से देखो बेटा वन फोर्टी रेशियो फोर्टी लगभग आ गया ये थ्री नियरली थ्री F1 को क्रॉस करते हैं है, है. और थ्री रेशियो वन जब देखने मिलता है आपको मिलता है तब जीरो रेशियो क्या होता है तब जीरो मतलब ये समझो बात को क्या बोल रहा है यदि आपने

ये ये तीनों ये दोनों मिलके तीन डोमिनेंट फ्लू को बनाएंगे और ये एक को बनाएगा तो आंसर क्या अकेला नहीं होगा ऐसा नहीं होता है थ्री रेशियो वन देखने नहीं मिलेगा आपको थ्री रेशू वन कब देखने मिलेगा बेटा आपको जब कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे आप, तो आपको एक कैपिटल टी कैपिटल टी दो मिलेगा और जो कि फ्यूनो टाइप की पॉइंट ऑफ व्यू से तीन टॉल एक डॉर्फ होगा और जब तीन टॉल एक डॉर्फ मिल रहे क्या मिलता है आपको वन रेशियो टू वन मिलता है मतलब एक कैपिटल टी कैपिटल टी मिलता है आपको एक स्मॉल कैपिटल स्मॉल टी मिलता है आ गया आंसर अब देखिए आप

वन होगा और वन रेशो टू रेशो वन है मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेट दो हेट्रोजाइगस डोमिनेट और एक होमोजाइगस रेसिव होगा क्लियर ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है ना कोई आंसर क्या आएगा पहले बताया ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टेन अब आपके पास एक क्रॉस है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी से तो एफ वन जनरेशन में हमको क्या मिलेगा क्या, क्या, बनेगा. क्या बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा टाइप ऑफ गेमिट यहां पे एक हाइट्रोजाइगस पोजिशन है ठीक है तो यहां पर क्या होगा टू टू दी पावर एन एक है. दो तरह के गेमिट देखने मिलेंगे हमें एक गेमिट होगा कैपिटल ए कैपिटल बी दूसरा गेमिट होगा स्मॉल ए कैपिटल बी क्योंकि दो ए एक साथ नहीं जाते हैं दो बी एक साथ नहीं जाते हैं और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं के चेकर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे चेकर बोर्ड में दो स्क्वायर बनेंगे क्योंकि टू इंटू वन दो स्क्वायर बनाएंगे आप सोलह खाने नहीं बनाना गलती मत करना ठीक है एक तब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी ठीक है चलो भरते हैं चेकर बोर्ड को हम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी एक मिला हमें स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी एक मिला हमें आंसर आ गया इसका दिस इज आंसर ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्यों अब ये क्वेश्चन क्या चेक कर रहा है ये क्वेश्चन आपकी जेनेटिक्स की बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है कि आपको गैमिट बनाना आता है नहीं आता चेकर बोर्ड आप काउंट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं आपके कहीं आप थ्री एशो वन रटकर तो नहीं बैठे हुए रट के बैठे आप झट से आप आंसर लगा देंगे ये वाला जैसे आंसर आपने लगाया आंसर गलत आप पटके क्लियर ये एग्जामिनर क्या करता है आपकी आपने कोशिश को यदि रट रखा है तो उसको उससे वो गलती करवा देता है के? तो आपको बिल्कुल इंटेलिजेंटली समझना है कि अपने, अपने का दो तरह के चक्रवर्ड में दो ही खाने बनेंगे आपके पास आंसर आ गया ठीक है क्वेश्चन ऑफ एफ एम सी देन दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन दी एम्स ना क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है इफ इनफ क्रॉसेज आर मेड बिटवीन मेल ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए के मेल फ्लाई का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है उसमें क्रॉस करायाड के किससे एंड इनफ क्रॉस मेड बिटवीन द मेल फ्लाई मेल फ्लाई का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है ये मेल फ्लाई है फीमेल फ्राई का जीनोटाइप क्या है स्मॉल ए स्मॉल ए फीमेल फ्राई का जीनोटाइप है ठीक है और उसको उससे 1000 ऑफ स्प्रिंग 1000 ऑफ स्प्रिंग मिले ठीक है तो उनका रेशियो क्या होगा अच्छा बताओ मेरे को कैपिटल ए स्मॉल ए को आपने क्रॉस कराया स्मॉल ए स्मॉल क्रॉस कराया कौन सा क्रॉस है ये क्या एक है कैपिटल ए स्मॉल ए और उसको आपने क्रॉस कराया स्मॉल ए स्मॉल मतलब आपने एफ वन को क्रॉस कराया है से है ऐसे ही तो है कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी टी से क्रॉस कराया मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस यहां पर भी क्या दिखाई पड़ रहा है आपको ये एफ वन है ये पेरेंटल रेसिव कॉम्बिनेशन है आपने क्रॉस ये है बेसिकली दिस इज दी मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कुछ नहीं करना है आपको आपको केवल और केवल आपको क्रॉस पहचानना है यू हैव जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दी क्रॉस इज दिस के तो आपने कहा दी मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या मिलता है वन रेशियो वन मिलता है क्या रेशो मिलता है आंसर आपका आ गया दिस इज दी वन रेशियो वन है ना क्यों आप सॉल्व करो ना इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपको ये आएगा कि आधे मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए मैंने कहा ना सॉल्व करोगे आप तो आप बोलोगे एक गेमिट बना कैपिटल ए एक गेमिट बना स्मॉल स्मॉल एट के चक्कर बोर्ड में रखोगे आप तो आपको मिलेगा एक कैपिटल ए स्मॉल मिलेगा और एक स्मॉल ए स्मॉल मिलेगा आपको मिलेगा ना वन रश्यू वन देखने मिलेगा आपको ठीक है

देखो बेटा मैंने कहा ना आपसे कि एग्जामिनर को हमेशा समझो कि वो एक वॉर के लिए आप वो जो है आपसे वॉर करने वाला हटके और हमको हम कमांडो है हमको उसके सारे सारे मालूम पेतरे वालू क्या क्या पूछ सकता है हमसे उठ के और हमको उसके लिए तैयार रहना है कि हम उसको कैसे एग्जामिनर को जो है वो बीट कर सकते हैं चलिए ए ब्लैक हाइब्रिड माउस ठीक है इस क्रॉस विद ए प्योर ब्राउन माउस ठीक है एक ब्लैक हाइब्रिड माउस को हमने एक प्योर ब्राउन माइस माउस से हमने क्रॉस कराया ठीक है और इससे कुल ट्वेंटी फोर अब आप आपने ब्लैक ना मतलब वो और तब तो ब्लैक है वो मतलब वो है ब्लैक करेक्टर लिखा ना हाइब्रिड ब्लैक मतलब हाइब्रिड होने पर एक हेक्टर होने पर ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है डोमिनेंट हो गया वो क्लियर ठीक है और ब्राउन तो रस्सी हो गया ठीक ट्वेंटी फोर ऑफ स्पिंग बनते हैं कौन सा रिजल्ट सही होगा इसमें अब देखो बेटा ये अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ मोनोहाइब्रिड कौन सा क्रॉस बताया टेस्ट क्रॉस क्या बात है आपने कहा कि सर ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस वन वन लेकिन लेकिन मेरे बच्चों गलती मत करना क्योंकि चूहा है ये चूहे में भी चूहा के मेल और फीमेल होने की संभावना भी by two, by होती है और ऑप्शन में उसने केवल कलर नहीं देखा उसने ऑप्शन में जेंडर भी रखे मतलब एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है वो आपके आपसे एक क्वेश्चन के बदले दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो एग्जामिनर ने आपको क्या बोला उसने कहा हमने चूहे लिए ब्लैक हाइब्रिड को ब्राउन से क्रॉस कराया हमने ठीक है तो रिजल्ट क्या मिलेगा अब रिजल्ट में वो केवल ब्लैक और ब्राउन नहीं लिख रहा हो यदि वो केवल ब्लैक और ब्राउन लिखता तो हम बोलते one ratio, one वाला आंसर सही है लेकिन रिजल्ट में वो एग्जामिनर क्या कर रहा है आपको फंसाने के लिए बोल रहा है मेल और फीमेल भी लिख रहा है वो मतलब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट करना चाहिए फिफ्टी परसेंट मेल होंगे फिफ्टी फीमेल होंगे बराबर एक और बाई है ना बेटा ठीक है अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यदि आपको पता है कि 24 में से लगभग वाला आंसर इसका सही होना चाहिए लेकिन उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि one one में आधे मेल और आधे फीमेल होना चाहिए इसका मतलब यह कि जो ब्लैक जो ब्लैक माउस मिलेंगे वो आधे होंगे मेल आधे फीमेल होंगे जो ब्राउन माइस माउस मिलेंगे वो आधे फीमेल होंगे और आधे मेल होंगे मतलब आपका आंसर आना चाहिए वन वन रेशियो वन रेशो वन रेशो वन क्यों आना चाहिए क्योंकि बात सिंपल सी है कि एक चूहा यदि मान लो मैंने आपसे कहा कि 50 परसेंट चूहे ब्लैक होंगे और 50 परसेंट ब्राउन होंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट मोनोहाइब्रिट के अनुसार लेकिन 50 जो ब्लैक होंगे उसमें से आधे आधे मेल और फीमेल होंगे और जो ब्राउन होंगे 50 उसमें से आधे आधे मेल और फीमेल होंगे तो अब आंसर ढूंढते हैं थर्टीन ब्लैक मेल और इलेवन ब्लैक फीमेल नहीं brown. सारे ब्लैक नहीं होंगे क्योंकि आधे ब्लैक होंगे आधे ब्राउन होंगे आंसर गलत हो गया इलेवन ब्राउन एंड थर्टीन ब्राउन सारे ब्राउन नहीं होंगे आधे ब्लैक और आधे ब्राउन होंगे यह भी गलत हो गया एट मेल ब्लैक मेल टेन ब्लैक फीमेल मतलब ब्लैक कितने हो ब्लैक कर दिए इसने ठीक है और 3 brown male, और ब्राउन ब्राउन मेल फीमेल मतलब सिक्स हो गए तो एट्टी तक थ्री रेशियो वन हो गया नहीं थ्री रेशियो वन नहीं मिलता है हमें वन रेशियो वन मिलता है तो ये आंसर भी गलत हो गया ठीक है हमको तो देखो सिंपल सी बात है हम जोड़ के बात करें के? फिर फाइव ब्लैक मेल हो गए ठीक है सेवन ब्लैक फीमेल हो गए कितना हो गया बेटा फाइव और फाइव और सेवन का ट्वेल्व ट्वेल्व हो गए ब्लैक है ना फिर ब्राउन कितने हो गए सिक्स ब्राउन मेल हो गए

ब्लैक हाइब्रिड को ब्राउन से क्रॉस किया हमने ये क्रॉस था मतलब one one मिलेगा आंसर आ गया 12 black, 12 brown, मतलब आपको बेटा अबाउट जेनेटिक्स ठीक है about, uh, about genetics, आते हैं. मजा आ रहा है सॉल्व साथ में कर रहे हो नहीं कर रहे ठीक है चलिए सम प्योर ब्लैक माइस वेर मिस्टेकनली मिक्स्ड विथ हाइब्रिड ब्लैक माइस मतलब प्योर ब्लैक माइस को आपको और और हाइब्रिड ब्लैक माइस आपस में मिक्स हो मिक्स हो हो गए गए ठीक है द मेंस्ट वे टू डिस्कवर वेदर एन इंडिविजुअल ब्लैक माउस इज प्योर आपको पता लगाना है कि जो आपके पास जो ब्लैक माउस हो मिक्स हो गया आपको नहीं मालूम कि कौन सा इसमें प्योर ब्लैक है कौन सा हाइब्रिड ब्लैक है और आपको पता लगाना है कोई दिया गया चूहा प्योर ब्लैक है या नहीं है तो कैसे मालूम चलेगा आप कुछ नहीं करोगे आप टेस्ट क्रॉस करोगे और टेस्ट क्रॉस किससे करते हैं प्योर रेसिप से करते हैं है. आप क्रॉस करोगे इसको स्मॉल बी स्मॉल बी से क्रॉस करोगे क्या मिलेगा आपको सारे के सारे आपको ब्लैक मिलेंगे जब आपको ऑल ब्लैक मिलेंगे मतलब इसका मतलब है कि आपका जो ब्लैक चूहा था वो प्योर हो ब्लैक था के यदि आपको फिफ्टी ब्लैक मिलेंगे और फिफ्टी ब्राउन मिलेंगे तो आप क्या बोलोगे आप क्या दिया गया चूहा था हाइब्रिड यहां पे क्या पूछा उसने उसने पूछा आपसे कि आपको बताना है कि दिया गया चूहा प्योर है या नहीं है कैसे मालूम चलेगा जब सारे के सारे ऑफस्प्रिंग सारे चूहे ब्लैक मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि दिया गया चूहा ब्लैक होगा जाएगा से ठीक है ना चलिए हाय सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन लेक्चर But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. To cross it with pure black mouse and all the offspring muscle. Nah, black se cross, se, hum. brown a cross crying yegla to get.

वो हाइब्रिड ब्लैक होगा तो आपको जो है वो वन रश्यू वन देखने मिलेगा लेकिन हमें पता क्या लगाना है प्योर ब्लैक मालूम चलना है तो यदि क्वेश्चन में वो हाइब्रिड ब्लैक बोलता तो ऑप्शन क्या रहता है डी सही होता है यदि क्वेश्चन में पूछता आपसे वो कि वेदर वन इंडिविजुअल इज हाइब्रिड ब्लैक माउस

मेंडल ऑप्टेंट रिजल्ट ऑफ 73.97 26.03 परसेंट मतलब ये आ गया थ्री रेशियो वन आ गया ना हमारे देखो को कोई भी रेशियो देखा हमको झट से थ्री रेशियो वन वन रेशियो वन वहां पर जला के छोड़ देना आप आइडेंटिफाई करना उसको तो हम समझ गए ये मोनोहैबिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं क्लियर इंटरमीडिएट पेरेंट। अब ये बोल रहा है आपसे कि इसका मतलब ये यदि थ्री रेशियो वन मिल रहा है तो दट द इमीडिएट इमीडिएट पेरेंट क्या होंगे इसका अब क्या पूछा उसने उसने कहा कि मेंडल ने एक मेटल में मटल में, में जो है वो लंबे पन के लिए करेक्टर का स्टडी कर रहे हैं फैक्टर का स्टडी कर रहे हैं उनको थ्री रेशियो वन मिलता है और बताइए इसके पेरेंट क्या होंगे सिंपल सी बात है कैपिटल टी कैपिटल टी को कैपिटल टी कैपिटल टी स्म टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे आप तो आपको थ्री रेशियो वन देखने मिलेगा मतलब हाईब्रिड टॉल को हाईब्रिड टॉल से कॉस कराओगे ठीक है अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी मोनोहाइब्रिड कॉस्ट अगेन दोबारा से क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड कॉस का क्वेश्चन है मतलब ये है कि केवल क्रॉस को पहचानना है मतलब पूछ रहा रहा है 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 आपसे वो कि एक मेंडल का क्रॉस में मिल रहा है। बताओ उसके पेरेंट क्या है तो आपने कहा अरे भाई एफ वन को सेल्फिंग कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा थ्री रेशू वन मिलेगा एफ वन क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बाई कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड टॉल ठीक है आगे आंसर आ गया क्लियर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अरे जबरदस्त क्वेश्चन है ठीक okay? है का क्वेश्चन okay? है है बेटा ये ठीक क्या पूछा उसने इन पी प्लांट रेड फ्लावर इज डोमिनेट ओवर द्विट फ्लॉव रेड व्हाइट पर डोमिनेंट है एंड टॉल प्लांट डोमिनेट ओवर प्लांट के टॉल डॉ पर जो है वो डोमिनेंट है ठीक है एक टेबल दे रखा है आपने अब टेबल में उसने कहा आपसे क्या किया टेबल को उसने पूरा भरने जैसे वन टू थ्री फोर मार्किंग कर दिया अब पूछ रहा आपसे वो प्लांट सेवन को प्लांट ट्वेल्व से क्रॉस किया हमने प्लांट सेवन को हमने प्लांट ट्वेल्व से क्रॉस किया अब प्लांट सेवन क्या देखते हैं प्लांट सेवन कहा है? ये, दी, प्लांट सेवन इसको प्लांट ट्वेल्व से क्रॉस किया हमने तो प्लांट सेवन क्या होगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्लांट सेवन हो गया ठीक है इसको क्रॉस किया प्लांट 12 से क्रॉस किया प्लांट 12 क्या होगा बना लो ना आप कॉम्बिनेशन क्या आपको ये गैमिट दे रखे हैं कॉम्बिनेशन बनाना बनाना ठीक है तो प्लांट 12 क्या हो गया आपका स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल t स्मॉल t हो गया बेटा ठीक है क्लियर इसको अब क्या पूछा आपसे उसने पूछा है देन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड विल बी होमोजाइगस

स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कितना होगा आपको दोनों के लिए होमोजेगस ऑफ के बारे में आपको पता करना है। चलो देखते हैं। आपने कहा वन हेट्रोगस पोजिशन टू हेट्रोग पोजिशन चार तरह के गेमिट बनेंगे क्लियर चार तरह के गेमिट यहां पर बनेंगे क्या बनेगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी ठीक है ये चार तरह गेमिट यहां बनेंगे यहां पर गेमिट कैसे बनेंगे दो तरह के गेमिट बनेंगे एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल टी दूसरा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल टी है ना बेटा स्मॉल आर हो जाएगा इस पोजिशन में कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा इस पोजिशन में ठीक है अब चेकर बोर्ड में कितने खाने बनना चाहिए चेकर बोर्ड में आठ स्क्वायर खाने बनाना चाहिए चेकर बोर्ड के अंदर जो है वो आपके चेकर बोर्ड में आठ खाने बनना चाहिए ठीक है मैं चेकर बोर्ड को यहां बना बनाता हूं ठीक है चेकर बोर्ड में आठ खाने बनना चाहिए ठीक है चेकर बोर्ड में मैंने कहा आपसे कि चेकर बोर्ड के अंदर हमको आठ खाने देखने मिलना चाहिए ठीक है आप गैमिट को प्लस करते हैं हम चलो हमने कहा यहां पे रखा हमने स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी को यहां रखा हमने आप भी बना दिए मिनट के कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी ठीक है अब आपको देखो बेटा सिंपल सी बात के आपको क्या पता लगाना है कि स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी कितना मिलेगा आपको अब आप चाहो तो इस को पूरा भर लो आप चाहो तो इस चेकर बोर्ड को पूरा भर लो और पूरा भर के आप पता कर लो कितने आपको मिलेंगे चलो एक काम करते हैं कि हम पूरा भर भर लेते हैं हैं एक काम करते पूरा कर देखते हैं इसको हम क्या मिल रहा है पहले में मिला हमें कैपिटल आर पहले में क्या मिला हमें पहले मिला हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल टी ठीक है ऐसे ही मिलेगा बेटा है ना हाँ ठीक है ये मिला हमें दूसरे में क्या मिला हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला ठीक है तीसरे में क्या मिला हमें स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल टी मिला चौथे में क्या मिला स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला हमें ठीक है यहाँ क्या मिला हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला यहां पे हमें स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी मिला हमें यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल t स्मॉल t small यहां पे मैं स्मॉल r कुछ गलती हुआ है इसमें एक मिनट मैं बोलता हूं को यहां पे हमने गैमेट हाँ यहाँ पे हमने कैपिटल r स्मॉल t हुआ था यहाँ पे कैपिटल r स्मॉल t वही मैं बोल रहा था कि इसमें जो है वो कुछ तो गलती है इसमें चलो ठीक हम ठीक कर ले इसको कैपिटल r यहाँ पे बेटा क्या होगा यहाँ पे होगा ये मैं ठीक किया इसको ठीक है ना कैपिटल r स्मॉल t ठीक है है ना अब हम ठीक करते हैं इसको फिर ठीक कर से ठीक करते हैं यहाँ पे तो मतलब क्या आया बेटा यहाँ पे यहाँ आया क्योंकि देखो ये गेमिट चार तरह के बन रहे हैं यहां पे पे एक चार गेमिट क्या बनेंगे यहाँ पे चार गेमिट बनेंगे कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्म स्मॉल टी स्म आरपिटल टी स्म आर स्मॉल टी प्लेस किया तो मैंने पहले खाने में क्या बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल टी राउंड टॉल मिला ठीक है फिर यहाँ पे क्या बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी

कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है यहाँ पे आप चेक चिक्रो साफ साफ बने मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां नीचे मना उठ के मिला राउंड और टॉल मिला के फिर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्माली यहां भी हमको जो है वो दो करेक्टर के लिए होम जाएगा नहीं मिला फिर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी यहां भी नहीं मिला स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल मैंने आपसे कहा ना आप नंबर एक पहली बात तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है आप कर बोर्ड करोगे आपको मालूम है कि एक ही प्योर हो जाएगा हमको मिलेगा दो करेक्टर के लिए ठीक है तो यहां पर क्या मिला सोलह में से एक मिला हमें वन बाई क्या मिला हमको ये हमको जो है वो सोलह नहीं आठ में से आठ में से हमको ये एक मिला वन बाई एट मिला मतलब कितना ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट इसका आंसर आ गया ठीक है थिके? द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल जिसमें आपको सिंपल देखो अब यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये कि आपसे एग्जामिनर क्या जाना चाह रहा है वो चाह रहा है कि आप गैमिट्स को मिला के कॉम्बिनेशन में आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्रति जिनो क्या होगा तो आपने क्या किया जैसे आपने बोला कि प्लांट नंबर सेवन क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्म टी हो गया डबल फिर

कौन सा प्लांट है जिसके पास में दोनों करेक्टर के लिए रेस्टिव जीन प्रेजेंट होम हो जाएगा रेस्टिव दोनों करेक्टर के लिए प्रेजेंट हो तो आंसर का क्या आपको निकालना था स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी आठ में से एक आया मतलब 12.5 परसेंट आंसर है इसका क्लियर ठीक है चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट वेराइटी वेयर

अप्रोक्सीमेटली वन रेशियो वन रेशियो वन रेशो कौन सा क्रॉस जो है आपको कौन से क्रॉस से आपको जो प्रोजनी है वो इस रेशो में मिलेगी हमें one ratio, one ratio, one ratio, one ratio, one के रेशो में हमको देखने मिलेगी ठीक है क्लियर तो अब आपको ये पता, ये पता प्रोजनी के बारे में पता लगाना है आपको ठीक है तो बेटा क्या है यहां पर निकाल अब देखो सिंपल सी बात देखिए आपको वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन कहा मिलता है देखने आपको ये देखने मिलता है डाई हाइब्रिड

कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल एच स्मॉल एच को कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच को हमने क्रॉस कराया ठीक है किससे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल एच स्मॉल एच से तो हमें मिलेगा कैसे मिलेगा चलो एक काम करते हैं सॉल्व करके देखते हैं चार तरह के गेमिट बनेंगे यहां पे एक हेट्रोगस पोजिशन दो हेट्रोगस पोजिशन दो हेट्रोगस पोजिशन फार्मूला टू टू दी पावर पावर एन आपने फॉर्मूला प्रेस किया चार तरह के गेमिट बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल एच कैपिटल टी स्मॉल एच स्मॉल टी कैपिटल एच और स्मॉल टी स्मॉल एच यहां पे गेमिट वन तरह का मिलेगा होमोजागस्ट कंडीशन है स्मॉल टी स्मॉल एच के आपने चेकर बोर्ड में चार खाने बनाए ठीक है हम सॉल्व इसलिए करें ताकि दिमाग में रहे बात हर अदरवाइज आपने जैसे क्रॉस को पहचाना आपका आंसर निकल चुका है आपका आंसर निकल चुका ऑलरेडी ठीक है ना स्मॉल टी स्मॉल एच कैपिटल टी कैपिटल एच कैपिटल टी स्मॉल एच स्मॉल टी कैपिटल एच स्मॉल टी स्मॉल एच ठीक है थे ना देखो मैंने कहा ना जैसे क्रॉस को पहचाना आपका काम हो चुका आपको आंसर मिल गया यहां पे लेकिन मैं जो आंसर सही है से पता लगाने के लिए हम इस क्रॉस को पूरा करके देख रहे हैं के तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल एच स्मॉल एच एक मिला कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल एच स्मॉल एच एक मिला स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल एच स्मॉल एच एक मिला स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल एच स्मॉल एच एक मिला वन उसने ये रेशियो रखा उसने है ना? क्या है डायहाइब्रिड टेस्ट कॉस ये क्या बेटा ये डायहाइब्रिड टेस्ट कॉस दिस इज दाइब्रिड टेस्ट कॉस ठीक है ना सिंपल सा तो एग्जाम्पल क्या करता है कई बार सीधा रेशियो नहीं पूछता है वो घुमा के पूछता आपसे तो यहां पे क्या क्या विटा? उसने

फिर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फ्रॉम ए मैटिंग ऑफ टू हाइब्रिड इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, हाउ मेनी ऑफ सिक्सटीन पॉसिबल जाइगोट कॉम्बिनेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेंट ओनली टू डोमिनेंट जीन ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिड क्रॉस है जो डायबिट क्रॉस है उसमें जीनोटिपिक रेशो जो है वो के दिमाग में रहना चाहिए याद करो मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो डायबिट क्रॉस होता है उसमें जीनोटिपिक रेशो जब आप निकालते हैं तो क्या होता है के ये आपके दिमाग में पर वो कैसे मैंने आपसे कहा ना जैसे इस करेक्टर की बात करें तो मैंने कहा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी याद करो वहां पे था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई प्योर डोमिनेंट एक मिलेगा प्योर हो जाएगा डोमिनेंट ठीक है फिर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दो मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी एक मिलेगा अरे आपको मैंने जो जो पहले हमने देखो केवल यहां पे अल्फाबेट चेंज किया हमने अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही है वन टू वन टू फोर टू वन टू वन ठीक है फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी दो मिला कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी चार मिला ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर है फिर कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी दो मिला स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी एक मिला स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दो मिला स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी एक मिला अब देखो बेटा यदि आप ये दिमाग में नहीं रखोगे ना तो आपको पूरा चक्कर बनाना पड़ेगा और इसमें क्या होगा आप इसके इसके गेमिट बनाएंगे चार गेमिट यहां बनेंगे चार गेमिट यहां बनेंगे फिर सोलह खाने बनाएंगे सोलह खानों को फिल करेंगे फिर आप पता लगाएंगे कि दो डोमिनेट कितने कितने में प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा आपका टाइम लगेगा और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं दी ट्रैप क्वेश्चन Why is this a trap तो इस ट्रैप में फंसने के बाद आप आंसर आप निकाल लोगे डेफिनेटली डेफिनेटली आप चक्कर बोर्ड बनाओगे सोला खाने बनाओगे आप आंसर निकाल लोगे बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम और आपने अपने तीस चालीस सेकेंड एक्स्ट्रा खर्च किया है तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग सम अदर क्वेश्चन तो एग्जामिनर पेपर के अंदर कम से कम पांच से सात क्वेश्चन बायोलॉजी में ट्रैप टाइप देता हूं जिसमें टाइम लगाएं आप ठीक है फिजिक्स में ऐसे दस क्वेश्चन आता है जो ट्रैप क्वेश्चन होते हैं के? और तो ट्रैप क्वेश्चन का कर, करने का तरीका ये कि आप तो, आपको या तो शॉर्टकट मालूम हो या बाद में सॉल्व करें उनको आप ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे कि सिंपल सा फंडा है कि आपने आप याद रखिए बेटा पूरे जेनेटिक्स की जान ये है कि आपको मोनोहाइब्रिड कॉस्ट डायहाबिट कॉस्ट मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट

दो डोमिनेंट जीन कहां पर हैं? क्या जीन, जीन है क्या पूछा दो डोमिनेंट जीन के देखो चार डोमिनेंट जीन, है, यहां पर तीन डोमिनेंट जीन, 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 जीन है यहां पर दो डोमिनेंट जीन है यहां पर एक डोमिनेंट जीन है यहां पर दो डोमिनेंट जीन है यहां पर एक डोमिनेंट जीन है यहां पर कोई जीन है तो कुल मिलाकर कितनी

ठीक है तो घबराने की होती टटके ऐसे क्वेश्चन दो चार साल में एक बार पूछ जाते हैं और मैंने क्या कहा आपसे वाई वी आर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन ताकि कोई डर ही निकल जाए का बाहर ठीक है फिर इन 80 प्लांट मिले हमें ठीक है इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या होगा डायहाबिट क्रॉस है एट्टी प्लांट मिले उसमें होमोजाइगस मैंने सब बतायाबिट क्रॉस में होमोजागस मैंने आपसे कहा था डाहेबिट क्रॉस में बेटा मैंने आपसे कहा था चेकर बोर्ड बनता है उसमें सोला खाने होते हैं ठीक है ना है ना मैंने कहा था ये सोला खाने अटके मैंने कहा था जो होमो सारे होमोजाइगस जो है वो ये है ठीक है कैपिटल ये चार होम हो जाएगा सोलह में से चार होम हो जाएगा से बाकी सब जो है या तो दो जिन के दो जगह पर हट जाएगा से या वन जगह पर हट जाएगा से ठीक है तो फोर रेश्वेल्व सोलह में से चार होम हो जाएगा ट्वेल्व हट रहेगा मतलब कितना आ गया वन रेशियो थ्री आ गया ठीक है ना अब लगाओ 80 को 80 को वन रशित्रो में बांट दो आप 80 के चार हिस्से कर दो आप 20 20 20 20 तीन हिस्से क्या हो गए उसके समझे बात क्या डाउट के 80 को आप वन रेशो थर्टी में आप डिवाइड कर दो कितना आ गया ये आ गया ट्वेंटी रेशो सिक्सटी आ गया ये दिस इज द आंसर है ना

सेम क्वेश्चन है जब आंसर इसका जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा हमने तो 50 50 हो गया वो पूछा वन रेशो थ्री के उसमें आ गया वो है ना क्लियर फिर वेन कैपिटल ए कैपिटल ए कैप्टल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी को हमने क्रॉस किया एफ टू जनरेशन में हमको कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने मिलेंगे तो मैंने कहा था एफ टू जब ये क्या हो गया हाइब्रिड कॉस हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए को कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी को आपने जो है वो आपने इसको स्मॉल ए स्मॉल ए स्मोलॉ स्मॉल फिर एफ टू में क्या होगा आप इसकी सेल्फिंग कराओगे तो कितने मिलेंगे चार मिलते हैं याद करो मैंने कहा था चेकर बोर्ड बने तक। आप देखो बेटा मैं चाहूं तो पूरा सॉल्व करने को बोल सकता हूं आपसे आप पूरे सोला खाने बना लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम बचाना कैसे दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना है आपके चेकर बोर्ड में सोला खाने ऐसे होते हैं ठीक है

फोर आंसर आ गया इसका मतलब तो सोलह में आज ठीक है तो हाँ तो वन रेशो मतलब सोलह में चार डायरेक्ट देखा आंसर डायरेक्ट देखा सोलह में से चार ठीक है आउट आउट ऑफ ठीक है वो क्या होंगे आपके कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे आउट ऑफ कैपिटल कैपिटल ए ए स्मॉल स्मॉल बी बी होंगे क्लियर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ब्लू फ्लावर्ड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट ऑन क्रॉसिंग गिव प्रोजनी ऑफ ब्लू एंड व्हाइट फ्लावर इन द रेशॉक फोर्टी ठीक है सिक्सटी फोर्टी में आपको क्या किया उसने ब्लू और वाइट को क्रॉस कराया हमने तो ब्लू और वाइट प्रोजनी ने ब्लू एने आपने क्या किया आपने ब्लू और वाइट को आपने क्रॉस कराया आपका प्रोजनी मिला आपको जो है वो ब्लू और वाइट मिला आपको सिक्सटी रेशियो फोर्टी में मिला आपको वो ठीक है ना क्लियर व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लू एंड व्हाइट एक्सपेक्टेड यदि ब्लू को आपने सेल्फिंग कराया पे तो क्या रेशो मिलेगा यदि को आपने सेल्फिंग कराया आपने कराया तो क्या रेशो मिलेगा देखो बेटा अब इस क्वेश्चन में क्या है आपके सामने एक बड़ा डाउट ये है कि आपने देखा सिक्सटी फोर्टी लिखा है तो क्या रेशो होगा याद कीजिए सिंपल फंडा है कि उसने ब्लू को व्हाइट से क्रॉस कराया है और उसको ब्लू और व्हाइट मिल रहे हैं सिक्सटी फोर्टी में मतलब Exactly, almost, almost, almost क्योंकि कई सारी पूजनिया आप काउंट नहीं कर पाते इसलिए आपका नंबर वेरी कर जाता है लेकिन कंडीशन ये है कि ब्लू को व्हाइट से क्रॉस कराया तो आपको ब्लू और व्हाइट लगभग लगभग आपको जो है ये वन रेशियो वन में देखने मिल रहे आपको जो है आपको देखने मिल रहा है लेकिन

कोई और आंसर क्यों नहीं सकता आप देखो लगा के कोई और देखो ये आंसर का कोई कोई संभावना नहीं है इसका कहां से निकलेगा आंसर कोई 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 हमारे पास नॉलेज कोई इनपुट कोई कुछ भी नहीं है के ये क्योंकि वन वन, देखो ब्लू की सेल्फिंग कराओगे आप तो वन रेशियो वन तो नहीं मिल सकता आपको क्लियर ठीक है तो ये भी गलत हो गया आंसर ये कहीं से आने सकता आंसर ये क्या रेशियो है ये ठीक है मतलब ये आप 84, क्या ऐसा कोई रेशियो कहीं पड़ा हमने इस तरह का रेशो जो फाइव फाइव रेशियो वन के आसपास हो लगभग लगभग फाइव रेशियो वन के आसपास हो ये भी नहीं हो सकता है अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है इंटरजेंटली कि देखो ये थ्री रेशियो यदि ये थ्री रेशियो वन है तो निश्चित रूप ये वन रेशू वन है ठीक है ना दैट इज ओनली आंसर तो समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको जब डाउट हो ना तो प्लीज ऑप्शन को गौर से देखिए तब आप options को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर तो दिस इज एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्टली करेक्ट क्वेश्चन लेकिन तब भी आपने दी ऑप्शन बाकी ऑप्शन गौर से देखे तो बी आंसर हो नहीं सकता सी आंसर हो नहीं सकता डी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आपने ब्लू की सेल्फिंग कराई है तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता बीसी वाला अटके और डी और बी ऐसा कोई रेशो है ही नहीं इसका मतलब रेशियो वन तो पता है यदि ये थ्री रेशियो वन है तो इसका मतलब पहले वाला क्या है वो वन रेशियो वन है क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर टू ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट अब ट्राई हाइब्रिड प्लांट जो है वो मैंने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी तीन जगह पर हेट्रेग पोजीशन है टू टू द्री मतलब टू इंटू टू इंटू टू मतलब आठ तरह के गेमिट बनेंगे तो कोई डाउट नहीं

बांट लॉ मैंने कहा ये दो 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 करेक्टर क्रॉस कर रहा है इसीक्टर अलग अलग कर दिया हमने कैपिटल आर कैप्टर को स्मॉल आर स्मॉल से क्रॉस कर दिया हमने है ना इसके पास से कैपिटल आर कैपिटल आर दिया इससे स्मॉल आर स्मॉल लिया सारे कैसे मिलेंगे ऑल रेड सभी रेड मिलेंगे क्योंकि रेड मिलेंगे कोई डाउट नहीं ठीक है फिर इसको हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने स्मॉल टी स्मॉल टी से क्रॉस किया कौन सा क्रॉस है ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है तो क्या मिलेगा आधे फिफ्टी परसेंट एक आधे हमको मिलेंगे टॉल मिलेंगे और आधे हमको क्या मिलेंगे मिलेंगे हमें ठीक है ना क्लियर ये बात समझ में आई मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन में से यदि हम दो क्रॉस को अलग अलग कर लेना तो भी हमको अच्छे से आंसर जाता है तो हम समझ गए मतलब ये है कि जो भी हमें प्रोजनी मिलेंगी वो सभी रेड होंगी कोई डाउट नहीं इसमें सभी रेड होंगी

ठीक है फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं आंसर इसका है फिफ्टी परसेंट टॉल विद रेड फ्रूट है ना क्लियर आप सॉल्व करके देख लो तो भी वही आएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि प्लीज डोंट वेस्ट टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन फटाफट दिमाग में क्रॉस को, को है डिवाइड कीजिए आंसर निकाल लीजिए उसमें ठीक है फिर एक क्रॉस किया हमने कैपिटल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए के बीच को क्रॉस किया प्रोजनी कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगी तो क्या होगा प्रोजनी जो है देखने में वो फिनोटिपिकली कैसी होगी इसके जैसी होगी वो है ना फिनोटिपिकली कैसी होगी बेटा वो कैपिटल ए के जैसी होगी इसके और जीनोटिपिकली कैसी होगी बेटा वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगी मतलब ये हो गया बेटा कि जीनोटिपिकली जीनोटाइप genotyp उसका कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और देखने में उसका फिनोटाइप क्या होगा वो कैपिटल ए वाला उसका फिनोटाइप होगा तो आंसर क्लियर ठीक है चलिए तो ये तो हमने देखे क्या ये हमने देखे 24 क्वेश्चन देखे हमने जो क्वेश्चन जो है वो के ऊपर बेस्ट करके मतलब दीज आर दी क्वेश्चन में ठीक है अब एक काम करना बेटा आप ठीक है छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं एक काम एक कीजिएगा आप कि आपका जो डीपी डीपीएस है डीपीपी आपका डेली प्रैक्टिस पेपर जो है हंड्रेड नंबर का ठीक है उसको एक बार फिर से लगाइएगा आप ठीक है ना है ना उसमें कई क्वेश्चन आपको मैंने इस तरीके से दे, दे, के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं बनता है तो मैं दोबारा उसको डिस्कस कर लूंगा एक बार के, पर ये क्वेश्चन आप अब आप सॉल्व कीजिए क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन कराया ना इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं मिलते जुलते क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं रखें डीपीपी में तो एक बार आप सोल्व करेंगे इसको डीपीपी नंबर हंड्रेड को आप सोल्व करेंगे आप ठीक है तो उसमें आपके मेंडलिस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको कई का आंसर मिलेंगे ठीक है

Angiosperm मतलब सीडेड प्लांट ठीक है तो इसका मतलब ये बेटा कि वर्ड का मतलब जो है मतलबी में हम बोलते हैं मेलगेमिट के बॉटनी में मेलगेमिट के लिए एंथ्रोसॉइड वर्ड यूज करते हैं तो जो एंडोस्पर में सीड के अंदर का रिजर्व मटेरियल होता है एनजेपर में वो ट्रिप्लॉइड मटेरियल होता है ट्रिप्लॉड होता है के उसमें जो इतना याद रखो जो फीमेल होगा फीमेल पेरेंट होगा उसका जो जूटाइप होगा वो एंडोस्पर्म के अंदर उसके जीन जोड़े में होंगे और मेल का जीन जो है वो बाहर से आएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यदि फीमेल का जीनोटाइप स्मॉल वाई स्मॉल वाई है मेल का जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल वाई है प्लांट के अंदर के तो एंडोस्पर्म ऑफ सीड के अंदर क्या होगा उसके अंदर दो हैप्लाइड सीड दो हैप्लाइड न्यूक्लियस फीमेल से आते हैं एक आता है एक मेल गेमिट से आता है कैपिटल वाई और ऐसे फ्यूज करता है डबल फर्टिलेशन बोलते हैं तो यहाँ पे जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई एंडोस्पर्म का टाइप हो जाएगा अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड टिश्यू। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है जब हम प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टक्शन प्लांट पढ़ेंगे ना तब तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी मैंने एक दो क्वेश्चन में तो कंफ्यूज मत करना उसमें इतना रखना आप कि एंडोस्पर्म में के बनाने के दौरान डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है दो पोलर न्यूक्लियाई फीमेल से आते हैं जो कि हैप्लाइड होते हैं और एक मेल गेमिट मेल से आता है जो हैप्लाइड होता है जब तीन हैप्लाइड फ्यूज करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन होगा और एंडोस्पर्म बनेगा ठीक है बेटा

ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना ये केवल इसलिए कर रहे हैं हम कि ताकि जेनेटिक्स में हमारा जो है वो पकड़ हो जाए और हम उसको समझ सके तो एक बार इन 24 फोर क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कोई डाउट होगा मैं दोबारा करा दूंगा चिंता मत करें ठीक है ठीक लेकिन हमको समझ के आगे बढ़ना है ठीक है बेटा चलो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है बेटा तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कमेंट में तो हम उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे परंतु मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट रहना चाहिए क्योंकि हमने मैंने बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाया इन चीजों को और देखो बेटा अब आपका काम क्या है आपका काम यह है कि आपको मैं एक शीट और दूंगा जिसमें जिसके क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं ठीक है ना

To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.